हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 11 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्लांट की ग्रोथ के बारे में और कुछ रेगुलेटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर्स मतलब रेगुलेटर, है ना, अपनी गैस में भी होता है रेगुलेटर, जो कम करता है ज्यादा करता है। तो कुछ रेगुलेटर्स जिसमें ऑब्वियसली बात है हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहती है अपनी एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 15 जहां पे हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, क्या क्या उसके अंदर चीजें जानी जाती हैं, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये टर्म आएंगे, ठीक है। देन डेवलपमेंट आएगा, उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर आएगा, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, टोटल 6, जो हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें एनसीईआरटी क्या कह रही है, चलें स्टार्ट करें। ओके, तो क्या कह रही है एनसीईआरटी? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, तुम पहले ही पढ़ चुके हो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। फ्लावरिंग प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? चैप्टर 5 याद है क्या था? उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है उसमें हम लोगों ने इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा, स्टैमेन, पेटल्स, सेपल्स, इनका अरेंजमेंट कैसे है, वगैरह वगैरह। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है अबाउट किसके बारे में? वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स arise and that too in an orderly sequence. तुमने कभी सोचा है कि where and how, कहाँ और कैसे structure like roots, यानी कि root, stem, leaf, पत्ते, फूल, फल और बीज arise होते हैं, बनते हैं, and that too, और वो भी in an orderly sequence, एक order में। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ हो रहा है, कोई यहाँ हो रहा है, एक sequence होता है order में। कभी सोचा इस बारे में? कभी देखा प्लांट में हर चीज सीक्वेंस में रहता है, पत्ता इधर निकल रहा है, स्टेम यहां निकल रही है, फूल इधर निकल रहा है, जड़ नीचे ही रहेगी, सब कुछ सीक्वेंस में है, है ना। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स, तुम अब तक अवेयर जान चुके हो कौन कौन सी टर्म, सीड, सीडलिंग्स, सीड बीज होता है, सीडलिंग जो उग रहा है हल्का सा, ठीक है, प्लांटलेट जो बहुत छोटा सा पौधा आ गया है, और मैच्योर प्लांट। तो सीड और सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो अंदर से अंकुरित होना स्टार्ट हो गया है, प्लांटलेट जो एक दो पत्ते आ गए हैं उसके अंदर, ठीक है, प्लांटलेट और मैच्योर प्लांट, अब एक प्लांट पूरा मैच्योर हो गया है, ये सारे टर्म से तुम अब अवेयर हो, जानते हो। यू हैव आल्सो सीन दैट, तुम देख चुके हो दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट, जो ट्रीज है लगातार हाइट में बढ़ते रहते हैं, और गर्थ, और उनकी चौड़ाई बढ़ती रहती है। गर्थ मतलब उनका तना जो चौड़ा होता रहता है, उनकी हाइट भी लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी गर्थ भी बढ़ती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ लंबाई बढ़ेगी और गर्थ बढ़ेगा, ठीक। हाउएवर, लेकिन या तो भी, द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट आल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली एंड समटाइम रिपीटेडली। कह रहा हाउएवर, तो भी जो पत्ते फूल हैं और फल हैं उसी ट्री के, हैव लिमिटेड डायमेंशन, उनका जो ग्रोथ होता है लिमिटेड होता है, पत्ता इतना बड़ा तो इतना ही बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, फूल इतना बड़ा रहेगा, फ्रूट इतना होता था, आम है इतना है तो इतना ही रहेगा, यानी कि बढ़ता ही चला जाएगा, इनकी लिमिटेड डायमेंशंस हैं, डायमेंशन मतलब लैंड ब्रेथ हाइट, बट आल्सो अपीयर, और यहाँ लेकिन और साथ साथ में अपीयर होते हैं और फॉल होते हैं पीरियडिकली, समय के साथ आएंगे, सीजन पे आएंगे और गिर जाते हैं, एंड समटाइम रिपीटेडली, और कई बार 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 आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं। Why does vegetative phase precede flowering in a plant? कह रहा है why does vegetative phase, पता है, भूल गए, reproductive phase and vegetative phase, है ना, यानी कि vegetative phase वो होता है reproduction से पहले, flowering से पहले कह सकते हैं हम लोग। तो कह रहा है why does vegetative phase precede flowering in a plant? Plant में flower आने से पहले vegetative phase क्यों आता है? Precede, पहले, ठीक है, question mark डाल दिया उसने यहाँ पर, सवाल कर रहा है, जवाब देंगे अभी हम लोग, बात करेंगे इसके ऊपर। All plant organs are made up of, देखो NCRT क्या है, बड़ी अच्छी चीज है, क्यूरोसिटी क्रिएट करती है वो, कि हर बारी वेजिटेटिव फेज क्यों आ रहा है फ्लावरिंग से पहले। All plant organs are made up of variety of tissue, ठीक है, कह रहा है प्लांट के सारे ऑर्गन variety of tissues, अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं। Is there any relationship between the structure of cell, a tissue
एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म. कह रहा है क्या यहां पर कोई रिश्तेदारी है सेल के स्ट्रक्चर में, टिश्यू में और ऑर्गन में, एंड द फंक्शन दे परफॉर्म, और जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं. सवाल पे सवाल दाग रहा है अभी ये. ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर स्ट्रक्चर इसमें होगा, तो कुछ लोग नहीं होगा, बात करेंगे अभी. कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड, क्या इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अल्टर्ड बदल सकते हैं? स्ट्रक्चर कुछ हो जाए, फंक्शन कुछ हो जाए. ठीक है, ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जायगोट, ये लाइन मार्क कर लेना. डिसेंडेंट ऑफ जायगोट, भाई जायगोट पता ना क्या होता है, स्पर्म और यानी कि इसकी प्लांट की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन, याद है कुछ है ना, यहां पे क्या होता था, एम्ब्रियो सैक होता था इसके अंदर, यहां से पॉलन ग्रेन आता था और यहां फर्टिलाइज होकर क्या बनता था, जायगोट बनता था. जिसको याद नहीं है फिलहाल इतना समझे, देसी भाषा में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, तो प्लांट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक. प्लांट में जो फीमेल रहेगा उसके अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर ओवम रहता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स, वो दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं. सिंगल सेल जो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता है, क्लियर है? अब ये जायगोट ही डिवाइड हो होकर पूरा प्लांट बना देगा, तो वही लिखा हुआ है. ऑल सेल्स ऑफ प्लांट, सारे के सारे जो प्लांट के सेल्स हैं, डिसेंडेंट ऑफ जायगोट, ठीक है ना, किससे बन के आए हैं, जायगोट से बन के आए हैं. किससे बने हैं, जायगोट से बने हैं, क्लियर है? डिसेंडेंट्स ऑफ जायगोट, यानी कि जायगोट इनका कह सकते हैं हम लोग, ऐसा समझ लें कि सभी सेल्स जो प्लांट्स के होते हैं वो जायगोट उनका पूर्वज है, ऐसा समझ लो, है ना, एंसेस्टर बोलते हैं. यहां पर एंसेस्टर नहीं बोलेंगे, डिसेंडेंट लिखने का तरीका है. ठीक है, द क्वेश्चन इज, कह रहा सवाल ये है, देन व्हाई एंड हाउ डू दे डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, कब और कैसे डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट, कब और कैसे, भाई जब सभी जायगोट से बने हैं तो कब और कैसे सारे अलग अलग सेल, कोई पत्ता बन जा रहा है, कोई फूल बन जा रहा है, कोई स्टेम बन जा रहा है, ये सब अलग अलग कैसे हो जा रहे हैं. ठीक है, अब आगे आते हैं. डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, कह रहा है जो डेवलपमेंट है, किसी चीज का डेवलप होना, वो दो चीज का प्रोसेस का है, दो चीज का सम है. पहला ग्रोथ, एक तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, एंड डिफरेंशिएशन. जी देखो मार्क करेंगे इसे, टू प्रोसेस जो डेवलपमेंट है वो सम है टू प्रोसेस, ग्रोथ, एक चीज बढ़ रही है फिर उसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है. डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें आएगा अभी, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक सेल एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, जैसे मेरी आंख का सेल है, कभी ना कभी भाई हम और आप भी किससे बने, जायगोट से बने हैं, जायगोट से एक सेल निकला होगा, धीरे से वो सेल आंख में देखने का काम करने लगा, रॉड सेल्स कौन सेल में बदल गया, वो डिफरेंशिएट हो गया, उसने अपना एक खास फंक्शन ले लिया. जब एक साधारण सेल कुछ खास फंक्शन करने लगता है, मैच्योर हो गया, तब हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गया. साधारण सेल था, जायगोट से बना, उसने खास फंक्शन पकड़ लिया, डिफरेंशिएट हो गया. बात समझ में आ रही है? टू बिगिन विद इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट, शुरुआत करने के लिए ये एसेंशियल है, जरूरी है और काफी है ये जानना, टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जायगोट, जो मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट कहां से, जायगोट से, जायगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग, फॉलोज अ प्रीसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड, कह रहा है फॉलो करता है एक प्रीसाइज, बिल्कुल एकदम सटीक, एंड हाईली ऑर्डर्ड, एक के बाद एक सीक्वेंस चलेगा, सक्सेशन ऑफ इवेंट, एक के बाद एक क्रम से घटनाएं होंगी, तब कहीं जाकर के एक जायगोट एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है. बात समझ में आ रही है? एकदम प्रीसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड दैट प्रोड्यूसेस रूट लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाई. ठीक है, कह रहा है इस प्रोसेस के दौरान, कौन सी प्रोसेस, कि जब ये एक के बाद एक क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, एक सक्सेशन, एक घटनाएं चल रही हैं, इसी दौरान क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी फॉर्म होती है प्लांट की, इसमें रूट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रूट होते हैं, पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अंततः दे डाई, वो मर जाता है. ठीक है, फिगर 15.1 देखते हैं इसको भी, कहाँ है फिगर 15.1, ये रहा, तो फिगर 15.1 कह रहा है, ठीक है ये बड़ा हो रहा है, ठीक है अभी क्या है, जर्मिनेट स्टार्ट हो रहा है, सॉइल लाइन ऊपर आ गया, मैच्योर हो गया, पूरा फुल हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा. ठीक है ना, आगे आते हैं, क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन, पहला स्टेप क्या है,
सीड जर्मिनेशन, सबसे पहले तो भैया सीड ही जर्मिनेट करेगा. ओके, द सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट. ऑब्वियसली बात है, कभी देखा चने को जब तुम पानी में डाल देते हो और फिर मिट्टी में डाल दो, ठीक है, मिट्टी में डाल दो तो वहाँ पानी और नमी और मिट्टी सब मिल जाता है उसे. ग्रोथ के लिए सारी कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, उतनी नमी उतना पानी. तो फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन और हालात जो सीड के उगने में हेल्प करेंगी. ठीक है, तो कह रहा है सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ. ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करती है कहाँ, एनवायरनमेंट में. अब ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, ठीक है, अच्छे हालात नहीं है तो ग्रो नहीं करेगा. एक बीज को तुम ऐसे रख दो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन वो उसको पानी में डाल दो तो पानी से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, पानी अंदर जाता है और फिर वो उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है. ठीक है, आगे आते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, अगर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगे, द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा एंड गोज इन टू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट, और चला जाता है एक ऐसे पीरियड में, एक ऐसी अवस्था में जो सस्पेंडेड ग्रोथ, जैसे कि बीज को देखकर क्या लगता है मर गए हैं, बट वो मरे नहीं होते हैं, वो वाकई में जिंदा होते हैं और उनके अंदर बहुत कम मात्रा में पानी भी मौजूद होता है. हमको लगता है सूखे हुए हैं और मरे हुए हैं, बट वो किस अवस्था में है, किस पीरियड में है, सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट, जिसको हम लोग डॉर्मेंट फेज भी कहते हैं या डॉर्मेंट स्टेज भी कहते हैं. ठीक है, जानेंगे अगर जब वो आएगा. डॉर्मेंट वर्ड सुना है, डॉर्मेंट मतलब एक कह सकते हैं कोमा लाइक कंडीशन है, इंसान कोमा में चला जाता है ना, उसका होश कुछ नहीं, बस जिंदा है, सेम बीज के साथ वैसे ही आता है. वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे, द सीड्स रिज्यूम, वापस सारी चीजें रिज्यूम कर लेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस, यानी कि जो उसकी मेटाबॉलिज्म उसके अंदर अपने अंदर के रिएक्शंस जो रोक दिए थे उनको वापस से रिज्यूम कर लेगा, चालू कर लेगा और ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है, आगे आते हैं. ये होगी जनरल बातें कि किस तरह से प्लांट की ग्रोथ की लेके बात कर रहे हैं वो लोग और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं कब कैसे क्या क्या हो रहा है. अब देखते हैं क्या कह रहा है. अच्छा, ये बातें पता भी होंगी, बस एक बात ये हो सकता है कि इसकी हिंदी ना समझ में आती हो तो दिक्कत होता होगा. जितनी बातें मैंने बताई सब पता होंगी, जनरल बातें हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स विच गवर्न, जो कि गवर्न करेंगे, गाइड करेंगे, है ना. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रूल लाती है, रूल रेगुलेशन, तो रूल रेगुलेशन वही कह रहे हैं. यू शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर जो रूल करेंगे, रूल बनाते हैं एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, और इस डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कि कब कितना बढ़ना है, कब फूल आना है, कब बीज आना है, कब फ्रूट बनना है. दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक, ये फैक्टर दोनों तरीके से हो सकते हैं, इंट्रिंसिक इंटरनल प्लांट के अंदर, जो हम जानेंगे आगे क्या कहलाएंगे, ये हार्मोन्स कहलाएंगे, प्लांट हार्मोन्स, और एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल टू द प्लांट, इसमें क्या आ जाएगा, एनवायरमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एनवायरमेंट. ठीक है ना, बहुत ज्यादा धूप है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, यानी कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि हार्मोन्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि एनवायरमेंट, दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है. क्लियर है बातें, चले आगे. ओके, तो देखो क्या कहता है, टॉपिक आता है हमारे पास प्लांट ग्रोथ का, यानी कि ग्रोथ की बात कर ले. कह रहा है ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस मतलब जो स्पष्ट तौर से दिखाई दे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग. क्लियर हो गया, ये माना जाता है रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक है, फंडामेंटल और कॉन्स्पिकुअस है, दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट कैरेक्टर है किसका, लिविंग बींग का, लिविंग बींग का एक बहुत ही स्पष्ट और अच्छा फंडामेंटल कैरेक्टर है. फिर कह रहा है व्हाट इज ग्रोथ, तो कह रहा है ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन. समझना जरा बात को, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल, जो वापस ना हो, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं वापस छोटा हो जाएगा. परमानेंट इंक्रीज, जो बढ़ गया साइज बढ़ गया, ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन का और इट्स पार्ट्स या उसके हिस्से का, और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, या यहां कह ले हम लोग एक सिंगल सेल को बात मान ले, पूरी बॉडी को देख ले वो बढ़ गई वो भी ग्रोथ है, या एक सेल को देख ले वो बढ़ गया वो भी ग्रोथ है, तो सबकी बात कर ली उसने. परमानेंट इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन या उसके पार्ट या इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, एक सिंगल सेल की भी बात हो सकती है यहां पर, उसका साइज बढ़ गया है तो वो भी ग्रोथ में आता है. जनरली ग्रोथ इज accompanied by, accompanied मतलब ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ इसका एक साथी, कौन साथी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बढ़ती चली जाएंगी. मेटाबॉलिक पता है ना, बताई थी मैंने, मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
ऑल ओवर रिएक्शंस इनसाइड अ सेल या एक इनसाइडर ऑर्गेनिज्म कह लो। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी उसको साथ देने कौन आएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस भाई, उसी तरीके से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, उसके तो इंसान है या प्लांट है, भूख बढ़ेगी, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाएंगे। तो साफ कह रहा है ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। अब याद आ गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक जो बनती है, कैटाबॉलिक जो तोड़ती है। डेट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली बात है केमिकल रिएक्शन में एनर्जी खर्च होती है, तो कह रहा है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो किसके एक्सपेंस पर होगी, कौन उसके लिए जिम्मेदारी रहेगा, एनर्जी के खर्चे पर होंगी वो, ठीक है। Therefore, for example, expansion of leaf, लीफ का फैलना, एक पत्ता ऐसा होता छोटा फिर फैल जाता है, इज अ ग्रोथ, लीफ का फैलना भी ग्रोथ है, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर, कह रहा है अभी तुम इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर। तो ऑब्वियस बात है जब लकड़ी को तुम पानी में डाल देते हो वो क्या स्वेल होकर फूल जाता है, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो कह रहा है क्या इसको तुम ग्रोथ मानोगे। तो ग्रोथ के अंदर हम सिंपल देखते हैं क्या है, किसी चीज का साइज बढ़ रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जाना है कि ग्रोथ जो है वो क्या नहीं है, यूनिक कैरेक्टर्स में नहीं आता है, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों में ग्रोथ देखी जाती है। ग्रोथ का सिंपल सी मीनिंग है कोई चीज पहले कम थी अब वो ज्यादा हो गई है, हम उसको ग्रोथ बोल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन बिल्कुल स्पेसिफाइड कैरेक्टर नहीं है कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखी जाती है। पहले चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ रखी, क्लियर कट, चले आगे, याद आ गया, नहीं आ गया तो पॉज कर दो वीडियो, पहले चैप्टर में पहुंच जाओ, वहां देखो कुछ, एक मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या था कॉन्सियसनेस, और तीसरा सेल का ऑर्गेनाइजेशन, यही तीन चीजें पाई जाती हैं एक किसके अंदर, जो कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्लियर है, देख लिया, आ जाओ आगे, चीजें पुरानी पुरानी आती रहती है, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, वो इनडिटर्मिनेट है ना, वो बढ़ता ही रहता है, पौधा जिंदगी भर बढ़ता रहता है, तो इनडिटर्मिनेट है ये, कह रहा है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, ये यूनिक है बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, उसके पास कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड बढ़ता रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द, ये एबिलिटी आई कहां से, अब देखो सवाल ये आता है बढ़ता कैसे रहता है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है प्लांट के पास, तो प्लांट के पास क्या है, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन ऑफ देयर बॉडी। अब मत कहना मेरिस्टेम नहीं पता, प्लांट एनाटॉमी, मैरिस्टमेटिक सेल्स, एपिकल, लैटरल, इंटरगैलरी, याद आया, भूल गया तो पॉज करो वहां पहुंच जाओ, देखो पढ़ने का तरीका यही है, जो टर्म भूल गए और अब भूल गए और समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो पॉज करके सीधा वहां पहुंच जाओ, पहले उसको पढ़ो फिर यहां पढ़ो, क्लियर है। आगे आते हैं क्यों मैरिस्टेम को मैं यहां समझाने लगूंगा तो फिर वही पूरा चैप्टर लेंथी हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो मैरिस्टेम पहुंच गए, ऐसे सेल्स जिनके पास डिवाइड होने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, आगे आते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट, परपेचुएट मतलब बढ़ना, खुद से बढ़ते हैं वो लोग, डिवाइड होते हैं, सेल्फ परपेचुएट। द प्रोडक्ट हाउ एवर सून लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल मेकअप द प्लांट बॉडी। देखो थोड़ा सा याद दिला दूं क्या होता है मैरिस्टेमेटिक सेल में, एक सेल है ये डिवाइड हुआ दो बन गए, तो यारह सेल हो गया परमानेंट, अब ये ग्रो नहीं करेगा, यारह सेल ग्रो करेगा ये एक और बन गया, फिर ये ग्रो नहीं करेगा यार सेल, फिर एक और बन जाएगा डिवाइड होकर, ये डिवाइड होते रहते हैं और जो नीचे वाले सेल हैं ये प्लांट की बॉडी में ऐड होते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ होती रहती है इस तरीके से, यानी कि नए सेल कहाँ ऐड होते चले जा रहे हैं प्लांट की बॉडी में, क्लियर है। तो वही कह रहा है द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आ गया है, हाउ एवर सून लूजेज द कैपेसिटी टू डिवाइड, जल्दी ही ये अपनी कैपेसिटी जो डिवाइड होने की खत्म हो जाती है, एंड सच सेल, ऐसे सेल मेकअप द प्लांट बॉडी, और यही सेल प्लांट की बॉडी बनाते हैं, यानी कि जो प्लांट हट्टा कट्टा तगड़ा सा हो गया है उनमें यही सब सेल आ गए हैं, क्लियर है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ये मार्क करेंगे यहां पर, ऐसी ग्रोथ जिसमें लगातार जब तक ये प्लांट मर नहीं जाता उसमें नए सेल एड होते जाएंगे और उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, ऐसी ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, क्लियर है। आगे आए,
व्हाट वुड हैपन इफ द मैथमेटिक्स सीजेस टू डिवाइड, अगर मैथमेटिक्स डिवाइड करना रुक जाए तो क्या होगा, डज दिस एवर हैपन, क्या कभी ऐसा होता है? तो देखो क्या है कि मैथमेटिक्स अगर डिवाइड होना रुक बंद कर देंगे, रुक जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है ग्रोथ रुक जाएगी। अब पूछ रहा क्या कभी ऐसा होता है, तो मैथमेटिक्स अपने आप से तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई वायरस लग जाए, मैथमेटिक्स टिप कट जाए, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें हो सकती है कि वो सेल वहाँ से खत्म हो जाए, अदरवाइज अपने आप से वो कभी डिवाइड होना बंद नहीं करेंगे। क्लियर है? आओ आगे आते हैं। इन चैप्टर 6 आ गया वही प्लांट एनाटॉमी वाली बात। यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, वही बात बता रहा था मैं अभी, ठीक है ना, कि मेरिस्टेम को रिवाइज कर लो, नहीं रिवाइज हो देखो वही बात आ गई। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तुम जानते हो ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, जो शुरुआती ग्रोथ होती है उसके लिए क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलांगेशन ऑफ प्लांट, और खास तौर से ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट इलांगेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को लंबा करने में इनका योगदान रहता है, अलॉन्ग देयर एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग प्लांट को क्या करता है, ये लंबे लंबे खींचते हैं ये। यू ऑल्सो नो डैट, तुम जानते हो इन डाइकॉटिलेडनस प्लांट, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट पता ना क्या होते हैं, जिनके बीज हम दो टुकड़ों में तोड़ दें उनको क्या कहते हैं, जैसे कि मूंगफली चना दो टुकड़ों में टूट जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट प्लांट, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म्स, द लैटरल मेरिस्टेम वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ, कह रहा है डाइकॉट प्लांट में जिम्नोस्पर्म में लैटरल मेरिस्टेम जो प्लांट का गर्थ बढ़ाते हैं, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ठीक है, ये सारे टर्म हम लोगों ने वहां डिस्कस किए, ये लाइफ में उनके बाद में आते हैं, शुरुआती दिनों में नहीं होते, जैसे कि शुरुआत में जब प्लांट ग्रो हुआ हल्का सा तब नहीं होंगे, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वुडी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तब ये सारे उसके अंदर आते हैं। लेटर इन लाइफ दीज आर द मेरिस्टेम दैट कॉज इंक्रीज इन द गर्थ, ये वो मेरिस्टेम है जो मैंने बताया उसकी गर्थ, तने की चौड़ाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, गर्थ ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव, दिस नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, इस सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोगों ने प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ा हुआ है। तो बात समझ में आई, तो एक हो गया प्राइमरी, ठीक है ना, ओके, एक मेरे पास क्या आ गया, प्राइमरी ग्रोथ, मार्क करेंगे इसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, दो पॉइंट आ गए तुम्हारे पास ये, तो बात समझ में आ गई, जो प्लांट के शुरुआती दिनों होते हैं जिसमें लंबाई बढ़ती है प्राइमरी ग्रोथ, जब चौड़ाई बढ़ेगी सेकेंडरी ग्रोथ, कौन करवाते हैं उसके नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पे कौन से मेरिस्टेमेटिक है और वहां कौन से मेरिस्टेमेटिक थे, बात समझ में आ रही है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, किसके लिए आगे रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, फिर उसके बाद इसमें कौन सेकेंडरी में कौन कौन आ गया, लैटरल वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं यहां क्या लिखोगे, प्राइमरी ग्रोथ, कौन रिस्पॉन्सिबल, देन सेकेंडरी ग्रोथ, कौन रिस्पॉन्सिबल, तीन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इस तरीके से साथ में जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत चीजें एकदम से याद हो जाएंगी, बात समझ में आ रही है, चले आगे। ग्रोथ इज मेजरेबल, कह रहा है ग्रोथ को हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, आओ देखें, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में बात करें, इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कह रहा है सेलुलर लेवल पे अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो सेलुलर लेवल पे क्या देखूंगा मैं, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर का क्या है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मैं कहूंगा सेल की ग्रोथ हो रही है, वही कह रहा है। सेलुलर लेवल पर प्रिंसिपली मेनली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, जो परिणाम होते हैं किसके, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो बढ़ जाता है प्रोटोप्लाज्म, वही क्या कहलाता है, सेल की ग्रोथ कहलाती है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, कह रहा है सिंस, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म की मेजरमेंट है कि कितना बढ़ गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग नाप नहीं सकते हैं, और डिफिकल्ट है, डायरेक्टली नहीं नाप सकते, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, हम कुछ ऐसी क्वांटिटी नाप लेते हैं जो लगभग लगभग हमको ये बता देगी कि हाँ प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा है, ठीक है, वही कहना चाह रहा है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, प्रोटोप्लाज्म को नापना डिफिकल्ट है, तो वन जनरली कोई भी मेजर सम क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटी नाप लेंगे विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे प्रोपोर्शनल होगा, तो आप देखें क्या है, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर,
तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ को कई सारे पैरामीटर्स के थ्रू नाप सकते हैं। सम ऑफ विच आर, उसमें से कुछ क्या है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट। फ्रेश वेट में कितना इंक्रीज आया है ना, प्लांट लिया हमने, उसका एक पत्ता है, आज मान लो इतना है, वेट किया उसको, ठीक है, तरीके होते हैं अपने अपने, फिर दो दिन बाद फिर वेट किया हमने उसको, तो लगे लगे है तोड़कर, ठीक है, ये सब अपने तरीके हैं कि उसका फ्रेश वेट कितना इंक्रीज कर गया है। ड्राई वेट, हम उसका ड्राई वेट, अब ड्राई वेट के लिए जाहिर सी बात है प्लांट को सुखाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ तीन चार पौधे लगा देंगे, अलग अलग दिन में जब बढ़ते चले जाएंगे तो निकाला सुखाया, उसका वेट सुखा करके नाप लिया, लेंथ नाप लेंगे, उसका एरिया नाप लेंगे, वॉल्यूम नाप लेंगे एंड सेल नंबर, ठीक है। अब सेल नंबर बचेंगे, सर सेल नंबर कैसे काउंट करेंगे, तरीके हैं अपने लैब के होते हैं, फिलहाल अभी केवल ये समझो कि जो ग्रोथ होता है हम लोग साइटोप्लाज्म की, तो डायरेक्ट नाप नहीं सकते कि कितना बढ़ गया है, तो ये सब कुछ तरीके हैं, इनको नाप करके हम लोग साइटोप्लाज्म की ग्रोथ का अंदाजा लगा लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, यू मे फाइंड इट अमेजिंग, तुम इसको बहुत ही अमेजिंग है ना, एकदम मस्त पाओगे, टू नो डैट, ये जानकर कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मेज का एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 7500 न्यू सेल पर आवर, एक घंटे के अंदर 7500 सेल वो बना देता है, वो है ना मजेदार बात, कितना तेज डिवाइड कर रहा है। वेयर एज सेल इन वाटरमेलन, अगर वाटरमेलन की बात करूं तरबूज की, में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम। तो देखो हम लोग मेज में नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किया गया होगा ऑब्वियसली बात है, और वाटरमेलन में हम लोग क्या है, वॉल्यूम देख रहे हैं, कैसे कितना गुना, 3,50,000 गुना साइज बढ़ जाता है उसका, ठीक है। इन द फॉर्मर, पहले वाले में यानी कि मेज वाले की बात करें अगर, ठीक है, इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी कि मेज यानी जो पहला वाला है उसमें हम लोग ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ को कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल नंबर में इंक्रीज हुआ है। द लेटर जो बाद वाला है एक्सप्रेसेस ग्रोथ है इंक्रीज इन द साइज, यानी कि जो बाद में यानी वाटरमेलन की बात करी है वहां पे हम लोग ग्रोथ को साइज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या नाप रहे हैं। तो मैंने कहा ना इतने सारे तरीके हैं, डिपेंड करेगा किसके अंदर कौन सा तरीका देख ले हम लोग, बात समझ में आ रही है। व्हाइल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, कह रहा है जबकि जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब के बारे में तुम लोग का अंदाजा नहीं होगा, पॉलन ट्यूब इस तरीके से है ना, यहाँ पे पॉलन जब गिर जाता है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है जो कि एम्ब्रियो सैक तक पहुँचता है, ठीक है, कुछ लोगों को टेंथ का थोड़ा बहुत याद होगा, अदरवाइज ये डिटेल में आएगा ट्वेल्थ में। तो पॉलन ट्यूब जो स्टिग्मा से होता हुआ ओवरी तक जाता है उसकी जो ग्रोथ होती है हम लोग उसके लेंथ से नापते हैं कितना बढ़ गया। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डोनेट द ग्रोथ इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ, तो ये सब तरीके हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ ऐसा होता है फ्लैट वाले आइसोबाइलेटरल, ऐसे लंबे लंबे होते हैं गेहूं के और मेज के, डॉर्सीवेंट्रल जैसे आम का है, पीपल के पत्ते ऐसे करके, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है उससे हम उसकी ग्रोथ का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो यहां हमको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि हम लोग किसकी ग्रोथ को कैसे कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, उसको नोट करेंगे। और फिर ये चार एग्जाम्पल दे दिए इसने, किस किस के, मेज के, वाटरमेलन का दे दिया, फिर किसका दे दिया, पॉलन ट्यूब, उसकी ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, और जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है उसकी ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले आगे, आओ देखें। फेजेस ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की फेज की बात करें, ग्रोथ में कौन कौन सी फेज आएंगी, कह रहा है पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, जो ग्रोथ का पीरियड है उसको तीन फेज में डिवाइड किया गया है, नेमली मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन लंबा होगा एंड मैच्योरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है फिगर 15.3, डिटेक्शन ऑफ जोन्स इलॉन्गेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक्स, ठीक है, जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलॉन्गेटेड मोस्ट, जो जस्ट बिहाइंड द एपेक्स है वो सबसे ज्यादा, एपेक्स के जस्ट पीछे वाला वो सबसे ज्यादा क्या हो गया, इलॉन्गेट हो गया है, क्लियर है। तो देख सकते हैं हम लोग ये जो बी वाला पार्ट था लगभग यहाँ पे सारे कैसे हैं, ये देख लो सबके सब लगभग यहाँ सबके सब क्या है, बराबर है। अब सबसे ज्यादा लंबाई ये ले लिया, इसकी लंबाई उतनी नहीं मिली है, इसको थोड़ी कम मिली, इसको कम मिली, इसको थोड़ी और कम मिली, तो जस्ट इसके पीछे वाले की लंबाई सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप, आओ इसको समझें कि हम लोग तीन फेज में समझ रहे हैं,
मैस्टमेटिक एलोंगेशन एंड मैचुरेशन, इसको हम लोग रूट टिप की हेल्प से समझते हैं। कह रहा है द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, जो सेल लगातार डिवाइड हो रहे हैं बोथ एट रूट एपेक्स एंड एट शूट एपेक्स, जो रूट के एपेक्स पे है और शूट के एपेक्स पे, एपेक्स मतलब किनारे होते हैं ना, ये रूट का एपेक्स है और ये शूट का एपेक्स है, जो ऊपर के किनारे सेल हैं जो कि लगातार डिवाइड हो रहे हैं, रिप्रेजेंट द मैस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, जो मैस्टमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को डिवाइड शो करते हैं। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, इस रीजन के जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, पजेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूस न्यूक्लियाई और साथ साथ में एक स्पष्ट न्यूक्लियाई दिखाई देता है उनके अंदर। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, उनकी सेल वॉल कैसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन टाइप की सेल वॉल होती है, इसकी प्राइमरी है थिन एंड सेलुलोजिक, सेलुलोजिक बनी होती है विद अबंडेंट प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन, दो सेल्स आपस में काफी ज्यादा अच्छे जुड़े होते हैं प्लास्मोडेस्मेटा से। द सेल्स ठीक है प्रॉक्सिमल जस्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मैस्टमेटिक जोन, ठीक है मैस्टमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन, ये बात यहां पे अलग चलने लगी। अब यहां से समझते हैं, ये कहानी यहां तक है केवल, मार्क कर लेना। सबसे पहले उसने किसकी बात कर दी है, मैरिस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, कहां कहां पाए जाते हैं ये, रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स में, और इस फेज के जो सेल्स होते हैं, इस फेज के जो सेल्स होते हैं उनकी क्या खासियत है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा, न्यूक्लिया स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है सेल वॉल प्राइमरी होगी, ठीक है पतली होगी और सेलुलोज की बनी होगी विद अबंडेंट प्लास्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और खूब सारे प्लास्मोडेस्मेटा के आपस में कनेक्शन होंगे। प्लास्मोडेस्मेटा पता है ना, दो सेल्स जो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जो जुड़े होते हैं दो सेल्स उनके बीच में क्या कहते हैं, ये है ना दो सेल्स का आपस में प्रोटोप्लाज्म जुड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म, वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, प्लास्मोडेस्मेटा के थ्रू, पढ़ लिया ना पीछे के चैप्टर, वही सब रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, क्लियर है। एक बात ये आ गई, अब कह रहा है द सेल्स प्रॉक्सिमल मतलब समीप पास में, जस्ट नेक्स्ट और अवे फ्रॉम द टिप, टिप के जस्ट नेक्स्ट टू द मैस्टमेटिक जोन, जो मैस्टमेटिक जोन सबसे नीचे होता है, लगातार डिवाइड कर रहा है ना, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये मैस्टमेटिक जोन है, डिवाइड कर रहा है लगातार, और इसके जस्ट बाद वाला ये वाला जो हिस्सा होगा, इसके जस्ट बाद वाला ये वाला रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर क्या हो रहा है, सेल लंबाई में आगे बढ़ता है, ठीक है इंक्रीज्ड, अब देखो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इन दिस फेज, यानी कि फेज ऑफ इलोंगेशन वाले सेल की क्या खासियत है, वैक्यूलेशन, वैक्यूल काफी बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्या प्राइम उसमें मैस्टमेटिक फेज वाले में वैक्यूल का जिक्र था, नहीं था, ठीक है सेल इनलार्जमेंट, सेल बड़ा होगा, ठीक है न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, प्राइमरी के ऊपर नई सेल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन दिस फेज, इस फेज के जो सेल्स हैं ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। फर्दर फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, एपेक्स से काफी दूर, दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, एपेक्स से काफी दूर और इलोंगेशन के पास ये वाला रीजन आ गया, ठीक है प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगोइंग फेज ऑफ मैच्यूरेशन, यहां पर अब वो पोर्शन है जो मैच्यूरेशन होने जा रहा है, यानी कि सेल टूटा इलोंगेट हुआ, अब ये सेल क्या होने जा रहे हैं, मैच्योर होने जा रहे हैं, ठीक है वो हिस्सा मौजूद है एक्सिस का जहां पे सेल मैच्योर होने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ मैच्यूरेशन। द सेल्स ऑफ दिस जोन, अब इस जोन के जो सेल्स होते हैं उनकी खासियत क्या है, अटेन देयर मैक्सिमल साइज, वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, वॉल थिकनिंग के टर्म में एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, और प्रोटोप्लाज्म में जो अंदर मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो उसके टर्म में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 रिप्रेजेंट दिस फेज, चैप्टर 6 में जो ज्यादातर तुमने टिश्यूज पढ़े हैं वो सब इस फेज यानी मैच्यूरेशन वाले फेज के अंदर ही आते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर है, ओके ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या अपने पास, ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है,
किस रफ्तार से ग्रोथ हो रही है, रेट है ना। कोई चीज हम लोग रेट नापने का तरीका क्या होता है कि पर यूनिट टाइम कोई चीज कितनी हो रही है। तो ग्रोथ रेट देखें जरा क्या बात कर रहा है इसमें, कह रहा है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। देखा मैंने कहा था ना, कोई चीज दर, किसी की रफ्तार, कोई चीज किस हिसाब से हो रही है, किस टाइम में कितनी हो गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो कह रहा है द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितनी ग्रोथ इंक्रीज कर गई है पर यूनिट टाइम में, इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। सिंपल सी डेफिनेशन जो कि याद रखोगे। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, है ना। जब उसको पर यूनिट टाइम फिजिक्स में हर एक चीज वेलोसिटी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, है ना, ज्यादातर चीजों को हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं। तो कह रहा है इसीलिए हम ग्रोथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म हो या उसका पार्ट हो, कैन बी प्रोड्यूस मोर सेल इन वेराइटी ऑफ वे। कह रहा है या तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा प्रोड्यूस कर सकता है सेल इन वेराइटी ऑफ वे, कई तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके यहां दिखा रखे हैं और देखें और समझे क्या है ये दो तरीके, एक है अरिथमेटिक और एक है ज्योमेट्रिक। तो क्या अंतर है दोनों में, आओ समझते हैं। तो देखो जरा अरिथमेटिक में क्या हो रहा है, सेल एक, एक से दो, ठीक है ना, देन हुआ क्या, ये दो से कितने हुए तीन, और तीन से कितने हो रहे, एक दो तीन चार, और इससे कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच। यानी कि हम ये ग्रोथ देख सकते हैं कैसी ग्रोथ है ये, यहां पर क्या हो रहा है, एक सेल ये और ये सेल तो हो गया परमानेंट, और ये एक नया सेल रह गया, ये सेल क्या करेगा फिर डिवाइड करेगा दो सेल में, ठीक है ना, एक सेल फिर फिक्स हो जाएगा, फिर ये वाला सेल फिर दो सेल में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब देखो इस सेल ने दो डिवाइड किए, एक पीछे रह गया, ठीक है, अब ये सेल डिवाइड करेगा, ये दो सेल डिवाइड किए, ये सेल तो पीछे फिक्स हो ही गया, ठीक है, अब ये सेल फिक्स हो जाएगा, ये सेल दो करेगा। तो इस तरीके से एक एक सेल क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, एक सेल पीछे छूटता जा रहा है और एक सेल क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ज्योमेट्रिक में क्या है, सीधा एक से दो, अब ये दोनों सेल फिर डिवाइड करेंगे, दोनों सेल दो से एक दो तीन और चार, चार से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ से 16 हो जाएंगे ये। तो ये है ज्योमेट्रिक, हर सेल द्वारा डिवाइड कर रहा है, और यहां पर क्या है, एक एक सेल ऐड होता जा रहा है, पीछे वाला सेल अपनी कैपेसिटी को खत्म करता जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पीछे वाला सेल मैच्योर हो जाता है, आगे वाला सेल ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो देखो जरा यहां पर क्या है, जायगोट की बात करें तो जायगोट में क्या चलता है, ज्योमेट्रिक फेज चलता है, जायगोट डिवाइड करता है एक से दो, फिर दो से चार, ठीक है ना, और फिर चार से आठ। तो यहां पर क्या चलता है, ये ज्योमेट्रिक फेज रहता है जायगोट में, ठीक है ना। तो दिखा रखा है ये येलो कलर, सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल्स दैट लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यहां पर ये चीज दिखा रखी है, सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, मैंने यहां पर इस तरह दिखा दिया है, नीचे एनसीईआरटी में इसको हम बदल देते हैं, यानी कि ये एक से दो हुए, ये सेल अपनी कैपेसिटी खो दिया और इस सेल के पास कैपेसिटी बची हुई है, इसने फिर एक से दो में हुआ, ठीक है, फिर ये पीछे वाला सेल अपनी कैपेसिटी खो देगा, ठीक है, और ये फिर डिवाइड कर जाएगा। तो ये वाला सेल जो आगे वाला सेल होता है वो डिवाइड करता जा रहा है, पीछे वाले सेल मैच्योर होते जा रहे हैं। तो यहां पर ये कुछ ऐसा चल रहा है, मैंने कुछ ऐसा दिखा दिया था, कोई फर्क नहीं है, समझना आना चाहिए। यहां पर एक एक सेल बढ़ेगा क्योंकि पीछे वाला सेल मैच्योर हो जाता है, अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देता है। ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। चलो आगे, तो कह रहा है ओके, ज्योमेट्रिक के फेज के बाद क्या आती है, फिर आती है अरिथमेटिक फेज, ठीक है। पहले ज्योमेट्रिक फेज बहुत तेजी से सेल बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आ रही है, अरिथमेटिक फेज आ रही है। तो कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अरिथमेटिक, बी ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड सी स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेजेस। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर दोनों, यानी कि यहां से क्वेश्चन आ गया अब तुम्हारे पास, देखो जरा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेजेस दोनों ही हो रही है, क्लियर है बातें, चलें आगे। अब देखो क्या कह रहा है ये, आप समझते हैं, द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। कह रहा है ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज, ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज शो दिखा रहा है, बढ़ोतरी दिखा रहा है। अब वो बढ़ोतरी अरिथमेटिक हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो कह रहा है फिगर 5.4 जो पीछे वाला हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जो कह रहा है ग्रोथ रेट जो होती है वो ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक कुछ भी हो सकती है,
कह रहा है इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। कह रहा है अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, जब माइटोसिस होती है ठीक है ना, उसको फॉलो करता है अर्थमेटिक ग्रोथ। माइटोटिक सेल सेल डिवाइड हो गया तो पीछे वाला जो सेल होता है, एक सेल, दोनों में से एक सेल, पीछे वाला मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं, दो सेल डिवाइड हुए, माइटोसिस हुई, एक से दो हुए ठीक है, एक सेल मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने बताया था डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो अपना प्रॉपर फंक्शन ले लेगा, अब वो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देता है और मैच्योर हो जाता है, और एक सेल कंटिन्यू क्या करेगा, डिवाइड करता हुआ चला जाएगा। डॉटर सेल पता ना क्या होता है, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होते हैं तो इन दो सेल्स को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है। ओके आगे आते हैं, द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। अब वो सवाल करेगा कि बताओ पूरे प्लांट में तुमको क्या कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ कहां दिखाई पड़ रही है, तो तुम कहोगे सर हमने एनसीईआरटी में देखा था, पढ़ा था, कहां होता है, ऑब्वियस ही बात है रूट के अंदर तुम देखने तो जा नहीं रहे हो, जा रहे हो देखने, नहीं जा रहे ना देखने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है क्या करोगे, जो डाटा हमारे पास है उसको दिमाग में रखोगे। तो क्या बोला डाटा, सबसे सिंपल अगर हमें अर्थमेटिक ग्रोथ कहीं देखनी है तो रूट का इलोंगेशन जो कि एक कांस्टेंट रेट में बढ़ता रहता है, एक 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 सेल आगे बढ़ता रहता है। लुक एट फिगर 15.5 ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। हम ऑर्गन की लेंथ को टाइम के अगेंस्ट में नापें, लेंथ जैसे बढ़ती जा रही उसको मार्क करते जाए, टाइम बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस। अब लीनियर कर्व का मतलब क्या होता है, लीनियर कर्व का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समय के साथ जितना समय उतना हाइट, जितना समय उतनी हाइट, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये आ गया एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अब क्या क्या चीजें हैं, एल टी लेंथ एट टाइम टी, किसी टाइम पर एक लेंथ हमने ले ली ठीक है, शुरुआत कहीं ना कहीं तो करेंगे ना भाई, एकदम एकदम शुरुआत से तो हम कर नहीं सकते, मान लो एक लेंथ इतनी थी तो इस टाइम पर टाइम जीरो लेंथ टी, फिर टाइम बढ़ रहा है तो यहां से हम आगे टाइम नापना शुरू कर रहे हैं। एल नॉट लेंथ एट टाइम जीरो ठीक है, आर ग्रोथ रेट अब्लिक इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, बात समझ में आ गई। तो एल टी क्या होगी, लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट, अच्छा ये एल नॉट है लेंथ एट टाइम जीरो, यानी कि ये हो गया एल नॉट, एल टी मतलब फाइनल लेंथ आ गई, एल टी क्या हो गई फाइनल लेंथ, ये वो लेंथ है, मान लो ये रूट थी, इतनी लेंथ हो चुकी है ठीक है, अब इतनी लेंथ ऑलरेडी है और इसी टाइम को मैंने टाइम क्या मार्क किया जीरो। अब मैं यहां से देख रहा हूं टाइम बढ़ रहेगा वन, एक दिन, दो दिन, या रूट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तीन दिन रूट बढ़ रही है, ये फाइनल टाइम क्या आ गया थ्री, और ये आ गया मेरे पास क्या टोटल लेंथ, ये पहले से ही इतनी लेंथ थी और ये टाइम मैंने इतनी नाप ली, बात समझ में आ रही है। तो एल टी लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट लेंथ एट टाइम जीरो, और क्या ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के साथ इलोंगेशन कितना हो रहा है, क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें, बस याद रख लेना हमको। अब कह रहा है ये लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। आओ देखें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। ज्यादा सिस्टम में क्या होता है, कहीं पर ग्रोथ सिस्टम होगा तो इनिशियल ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है, इसको हम लैग फेज कहते हैं, क्या कहते हैं लैग फेज, एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली, उसके बाद वो बड़ी तेजी से बढ़ती है, देयर आफ्टर उसके बाद एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, एक्सपोनेंशियल रेट मतलब एक्सपोनेंट होता है ना पावर, जैसे कि मान लो 2 की पावर 2, तो 2 बढ़ाओ 2 की पावर, एक्सपोनेंट होता है ना इसके ऊपर n, तो मान लो इसके ऊपर 2 है ठीक है ना, तो यहां पे जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो दोगुना, 2 बढ़ेगा 2 × 4, एक्सपोनेंशियल रेट पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है ठीक है ना, एट एक्सपोनेंशियल रेट लॉग, और इसको हम कहते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। Here both the प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी सेल कौन से होते हैं, इन्हीं सेल्स को प्रोजेनी सेल्स भी कहते हैं, जो डॉटर सेल होते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है डॉटर सेल, डॉटर सेल, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे प्रोजेनी सेल भी कह देंगे, बच्चे सेल, जो बच्चे हुए ठीक है, जो सेल नए पैदा हुए उनको प्रोजेनी सेल भी कहते हैं। तो कह रहा है हाँ हम लोग कहां पे थे, ओके कह रहा है here both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide,
कह रहा है यहां पर, कहां पर? हेयर बोथ द प्रोजनी सेल, यहां पर यानी कि इस एक्सपोनेंशियल। अभी तक ऊपर क्या था मेरे पास, बहुत स्लो रेट था। स्लो रेट क्यों था? क्योंकि वहां अर्थमेटिक चल रहा था, एक एक करके जुड़ रहा था। एक्सपोनेंशियल हो गया तो वहां पर क्या हो गया, बोथ द प्रोजनी, एक सेल से दो सेल बने थे, दोनों सेल्स के पास क्या है, एबिलिटी है टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, और लगातार वो ऐसा करते रहते हैं। हाउएवर, ठीक है ना, विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है कैसी होती है, लिमिटेड होती है, द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। एक टाइम के बाद सेल बढ़ना भी चाहेगा, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, एक टाइम के बाद सेल ज्यादा बढ़ाएगा तो मरना स्टार्ट होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो देखो ये जैसे ग्राफ दे रखा है हमको, तो शुरुआत में थोड़ा स्लो रहता है लैग फेज, फिर एकदम तेजी से एक्सपोनेंशियल फेज, और अभी डिवाइड करेगा अभी तो, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो कांस्टेंट, अब इससे ज्यादा ले ही नहीं पाएगा, है ना भाई। जब न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड है, मान लो यहाँ पे न्यूट्रिएंट है कि 100 सेल ही सरवाइव कर सकते हैं, अभी 100 सेल डिवाइड करके अगर 200 हो जाएंगे तो खाना तो 100 सेल के लिए है, तो होगा क्या, 200 में से 100 सेल मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाना पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो ये मेरे पास कैसी स्टेज आ जाएगी, एक स्टेबल स्टेज आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, इफ यू प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, इस ग्रोथ को अगेंस्ट टाइम के साथ क्या करें, एक कर्व बनाएं इसका, वी गेट अ सिग्मॉइड और एस कर्व, हमें ये एक एस शेप का कर्व मिलता है, इसे हम एस की वजह से सिग्मॉइड कर्व भी कह देते हैं। समझ में आया, सिग्मॉइड या एस कर्व कहा जाता है। ओके, फिगर 15.6। तो बात समझ में आ गई, अर्थमेटिक का सिंपल, ज्योमेट्री का ये रहा। फिर कह रहा है अ सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। तो अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पर कि बताओ सिग्मॉइड कर्व कहां देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, इस तरह से क्वेश्चन तोड़ेगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरल एनवायरमेंट में रह रहा है, एक टाइम पर ग्रोथ आने के बाद ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। क्लियर है, इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, ये हर सेल में कॉमन है, टिश्यूज ऑर्गन ऑफ प्लांट, है ना, हर एक सेल्स टिश्यूज और प्लांट्स के अंदर ये कॉमन है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स, कह रहा क्या तुम और एग्जाम्पल सोच सकते हो, वट काइंड ऑफ ए कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी। अब यहां पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि वट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री, वट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज, बता सकता है कोई, आंसर मिला, चलो देखते हैं। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन द एक्सपोनेंशियल इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी। तो देखो सीजनल एक्टिविटी में क्या है, एक तरह से हम गौर करें सीजन, जैसे मान लो आम का सीजन है, आम आ गए और उसके बाद क्या होगा, आम खत्म हो जाएंगे, पतझड़ भी आ जाता है, फिर पतझड़ के बाद वापस से उसके अंदर फूल पत्ते आना स्टार्ट होते हैं, वो जो फूल पत्ते आने वाली स्टेज होती है वो उसकी हो जाती है लैग फेज, ठीक है ना। फिर उसके अंदर फल और बहुत तेजी से बढ़ता है, वो हो जाता है इसका क्या, एक्सपोनेंशियल फेज, और फाइनली एक लिमिट हो जाती है कि उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, इतने फल फ्रूट आ गए वो रुक गया, डेट इज क्या हो गया, वो उसका स्टेशनरी फेज। तो हर एक प्लांट जो सीजनल एक्टिविटी दिखाते हैं उनके कर्व भी कैसा हो जाएगा, सिग्मॉइड, याद रखना क्वेश्चन है अच्छा खासा, तो बता देना कैसा है सिग्मॉइड, क्यों हो गया, हर साल क्या होता है उनमें, स्टार्टिंग में पत्ते आना स्टार्ट होते हैं, है ना, वो उसका लैग फेज होता है, स्प्रिंग कह सकते हैं स्टार्टिंग का, फिर हल्का समर आता है जब, तो एकदम तेजी से पत्ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो उसका एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, फिर जब हल्की हल्की विंटर आना स्टार्ट होती है तो स्टेशनरी फेज, और जब विंटर ऑलमोस्ट अपने पीक पर होती है तो उनका क्या आ जाता है, स्टेशनरी फेज। तो हर किसी का धीरे धीरे क्या होता है, यही रहता है, किसका सिग्मॉइड कर्व रहते हैं, जो प्लांट या ट्री क्या दिखाते हैं, सीजनल एक्टिविटी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने यहां पर एक छोटा सा ये फॉर्मूला था हमारे पास, वैसे इसका एक फॉर्मूला है W1 इक्वल टू W0 ई पावर RT। अच्छा ये कैसे आया है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पर इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। W1 क्या है, फाइनल साइज, जिसमें वेट हाइट और नंबर सब कुछ है। W0 क्या है, इनिशियल साइज, जहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड की शुरुआत में, जैसे मान लो सीजनल एक्टिविटी के प्लांट को देख रहे हैं तो शुरुआती दौर में क्या था, कितने पत्ते क्या वगैरह, वो सब चीजें। R क्या है, ग्रोथ रेट है, T टाइम ऑफ ग्रोथ है, E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को E के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, तो हमें केवल यहां पर इसको जान लेना, लॉगरिथम का फंडा होता है ये, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा,
ई पे पावर आर टी, और ये क्या हो जाएगा, और आगे आए तो नेचुरल लॉग डब्लू वन अपॉन डब्लू नॉट, याद आ रहा है कुछ? खैर ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग फिर आगे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आगे और ले आए तो 2.303 लॉग डब्लू वन अपॉन डब्लू टू, अच्छा ये हट चुका है, फिर नेचुरल लॉग आ गया, दैट्स इक्वल टू आर टी। ठीक है, सॉल्व करने की बारी आ जाएगी, फिर हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। कह रहा है हेयर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। कह रहा है जो आर है ये ग्रोथ रेट रिलेटिव है, किसी के रेस्पेक्ट में आ रहा है कि पहले क्या थी और अब क्या है। ठीक है, एंड इज ऑल्सो द मेजर, और ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की क्षमता को, क्या किस क्षमता को, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। आर के दो काम हो गए, एक ये रिलेटिव ग्रोथ है, साथ साथ में ये क्या मेजर कर रहा है, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो प्लांट की क्षमता है कि वो नया कितना मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, हेंस द फाइनल साइज ऑफ डब्ल्यू वन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज डब्ल्यू नॉट। ऑब्वियस ही बात है, इनिशियल हमने कहां से स्टार्ट किया है वहां से नापेंगे, रिलेटिव है ना। मान लो तुम स्टार्टिंग में ना करके तुम यहां पे कहीं बीच में कहीं स्टार्ट किया से नापना, तो ऑलरेडी ग्रोथ उतनी हो चुकी है, कंपेरेटिव ग्रोथ आगे लेनी पड़ेगी हमें फिर। तो इसीलिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये साफ साफ कह रहा है फाइनल साइज डब्ल्यू वन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज डब्ल्यू नॉट, कहां से तुम उसे नापना शुरू कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये फेस वगैरह तो लॉग फेस वगैरह बड़े सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, ओके कह रहा है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड। कह रहा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी यानी कि यहां पर हम किसकी कंपैरिजन करने वाले हैं, क्वांटिटी की कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या क्वांटिटी, देखते हैं सेल वगैरह कुछ ना कुछ चीजें होंगी। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। हमें जब क्वांटिटी वाइज मेजर करना है कि किसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी, तो दो तरीके से कर सकते हैं, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी हुई है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। टर्म याद रखेंगे ये, कि ग्रोथ रेट पर जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके तो कहां पर थे हम लोग, तो हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की, यानी कि यहां पर हम लोग क्वांटिटी वाइज बात करेंगे कि कितना क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ शुरू से लेकर आखिरी तक, टोटल ग्रोथ, जब टोटल ग्रोथ मेजर की जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पहला। दूसरा, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस। कह रहा है ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, कॉमन बेसिस मतलब एग्जांपल दे रहा है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है ना, यानी कि यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एक तो हमने टोटल ग्रोथ देख ली, क्या देख ली, टोटल ग्रोथ, और सेकंड क्या कह रहा है ये, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस, जैसे कि हम लोग इनिशियल पैरामीटर, ठीक है, शुरुआती जो कुछ उसके पास ग्रोथ है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन करा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ग्रोथ करा रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं सॉरी, और सेकेंड वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल जो पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओके तो बात क्लियर हुई, पहले वाले हम लोग क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक, और दूसरे वाले में हमने क्या ले लिया, इनिशियल पैरामीटर, शुरुआत में हमको उसकी ग्रोथ कितनी थी वहीं से हमने इसका नाप लिया और आगे नेक्स्ट टाइम के लिए उसको कैलकुलेट करके पीछे वाले से कंपेयर करा दिया। टोटल ग्रोथ नहीं देखेंगे किसमें, सेकंड वाले में। बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है, इन फिगर 15.7, इन फिगर 15.7, ठीक है पहले पढ़ तो ले क्या है, इन फिगर 15.7 टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर डिफरेंट साइजेस। कह रहा है दो लीव्स हैं ए और बी, दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक है,
sizes but shows absolute increase in area. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? Absolute increase in area in the given time. किसी गिवन टाइम में, मतलब टाइम दोनों का सेम रखा, एक दिन, दो दिन, दस दिन का, उसमें इनका एरिया इंक्रीज करता हुआ हमने देखा और नाप लिया इसको, ठीक है. ए वन बी वन, ठीक है. हाउएवर वन ऑफ देम शोज मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है. विच वन एंड वाई? कह रहा है एक ने बहुत ज्यादा रिलेटिव ग्रोथ रेट दिखाई है और दूसरे ने नहीं दिखाई है, तो कह रहा है किसने और क्यों? तो आओ देखे जा रहा क्या हो रहा है यहां पर. तो कह रहा है पहले वाला ये 5 था और बढ़ करके कितना हो गया, 10 हो गया. दूसरा वाला 50 था और बढ़ करके कितना हुआ, 55 हुआ. तो यहां पे देखो हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर हम टोटल देखें एरिया वाइज तो केवल कितनी बढ़ोतरी हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और यहां कितनी बढ़ोतरी हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की. अब क्या चक्कर है ये, अब क्या हो गया, ये दोनों में 5 और 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे पहचाने? तो देखो इन्हीं अगर देखें गौर से हम लोग, तो ये शुरुआत में 5 है और फाइनल कितना है, 10. ये दुगना हो गया है, ये 50 है और ये 55 है, बहुत कम. तो ज्यादा ग्रोथ किसे मानी जाएगी, ये दुगना हो गया, जो अपना शुरुआत में था उससे दुगना हो गया. ये अपने शुरुआत से दुगना नहीं हुआ है, 5 सेंटीमीटर इसमें बड़ा, 5 इसमें बड़ा, बट ये अपने शुरुआत से दुगना हो गया. तो बात समझ में आ रही है कि किसकी ग्रोथ ज्यादा मानी जाएगी और क्यों मानी जाएगी? क्लियर है? वो अपने इनिशियल उसका जो साइज था उसका दुगना हो गया. क्लियर है? आगे आते हैं. कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन है. कह रहा है व्हाट डू यू नॉट ट्राई, सॉरी व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ. चलो वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो कि क्या क्या चीजें जरूरी है किसी की ग्रोथ के लिए. प्लांट की ग्रोथ की बात हो रही है, तुम लिखोगे पानी, लाइट, है ना, न्यूट्रिएंट्स, ये सब बातें दिमाग में आएंगी. क्लियर है? कर लिया? ओके, आगे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. दिस लिस्ट में है वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ. ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है, ठीक है. फिर कह रहा है द प्लांट सेल, ओके सॉरी, फिर कह रहा है द प्लांट सेल्स ग्रोन इन साइज बाय सेल एनवायरमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर. कह रहा है प्लांट सेल की ग्रो कैसे होगी, सेल बड़ा होगा, सेल बड़ा होगा तो बदले में उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो ग्रो होगी उसकी, ठीक. टाइटिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ. जो सेल टाइट होता है ना, पानी घुसेगा, सेल फूलेगा, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक्सटेंशन तनाव आता है, और तनाव की वजह से क्या होगी, ग्रोथ होगी. दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड. कह रहा है इसीलिए प्लांट ग्रोथ, प्लांट का जो ग्रोथ है एंड फर्दर डेवलपमेंट, और उसके आगे का डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक, काफी क्लोजली लिंक है टू द वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट. ये किससे बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक है, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट. मार्क करेंगे इस बात को कि प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट, जो उसका डेवलपमेंट है वो इंटीमेटली बहुत ज्यादा क्लोज लिंक है किससे, पानी से. कि प्लांट के पानी का स्टेटस क्या है, प्लांट का पानी अगर कम मिलेगा तो मुरझाएगा ज्यादा, उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं होगी. आगे देखो क्या कह रहा है ये, वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइम एक्टिविटी. अब दूसरी बात, तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, कंडीशन फॉर ग्रोथ के अंदर ये तीन बातें तो लिखी लोगे, लेकिन यहां पर वो स्पेशली किसको डिस्कस कर रहा है, पानी को डिस्कस कर रही है एनसीईआरटी. किसको डिस्कस कर रही है, पानी को. पहली बात बोल दिया उसने, प्लांट ग्रोथ का बहुत नजदीकी रिश्ता है पानी के साथ, कि पानी के साथ नहीं, पानी का स्टेटस कितना है प्लांट के लिए, स्टेटस समझ रहे हो ना, किसी के पास पानी बहुत ज्यादा, किसी के पास पानी कम है, जिंदा तो है लेकिन पानी कम है. फिर कह रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, नीडेड फॉर ग्रोथ. फिर कह रहा है ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ. ठीक है, तो पानी के दो बातें यहां तक खत्म हो गई हमारे पास, पानी और ये रहा पानी, पानी दो तरीके से हेल्पफुल हो गया. अब कह रहा है ऑक्सीजन हेल्प्स, ऑक्सीजन हेल्प करता है इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी. जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी निकलती है उसको निकलने में कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन. एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, ग्रोथ एक्टिविटी में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में बाहर आएगी, ठीक है ना, उसको एनर्जी को बाहर निकलने में कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन. तो देखो बच्चों ऑक्सीजन यहां पर अब सवाल आता है कि क्या प्लांट के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जो है ना. तो बच्चा कहेगा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है, ये वर्ड यहां पर याद ही नहीं है. थोड़ी बहुत वो भी इस्तेमाल करता अपने लिए, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम लोग यहां पर ना भाई, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत उसे चाहिए होती है, जितनी चाहिए उससे कई ज्यादा वो बनाता है, ठीक है ना, तो थोड़ी इस्तेमाल कर लेगा जितनी उसे चाहिए, बाकी सब एटमॉस्फेयर में निकाल देता है. तो ऑक्सीजन भी जरूरी है,
बहुत बेसिक सवाल रैंडम किसे पूछ लो ना कि बताओ प्लांट CO2 लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, तो क्या प्लांट ऑक्सीजन की प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? तो बच्चा खटाक से बोलेगा नहीं पड़ती है, लेकिन जरूरत पड़ती है भाई, उसे भी जिंदा रहना है। ठीक है, आगे आते हैं, किसके लिए चाहिए ऑक्सीजन? रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, ये वर्ड मार्क करेंगे, ठीक है ना, रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। पानी से दो बातें हो गई, पानी की दो एक्टिविटी मार्क करेंगे, ऑक्सीजन की एक्टिविटी मार्क करेंगे, क्या किया ऑक्सीजन ने। आगे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो माइक्रो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्या आ गया? न्यूट्रिएंट्स, इसका इतना खास नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ के लिए चाहिए एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से दो चीज में याद रखनी है, न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मार्क करेंगे इसको, ठीक है। तो तीन चीजें, पानी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को किस तरह से हेल्प कर रहा है, क्लियर है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। आगे आते हैं, इन एडिशन, इसके अलावा, एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ। हर एक प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम, एक सबसे अच्छा टेम्परेचर का रेंज होता है जिसके अंदर वो सबसे अच्छी ग्रोथ करता है, क्लियर है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज, अगर कोई भटकाओ इस रेंज में, कोई ज्यादा डेविएशन हो जाए, ठीक है, दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, है ना। प्लांट को चाहिए 15 से या 25 से 35 और पड़ गई एकदम से बर्फ, प्लांट खराब। जब पाला पड़ जाता है ना, ओस, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती, पाला पड़ जाता है, गेहूं की फसलें जो होती है ठंड की वजह से खराब होती है, क्यों, उनके अंदर पानी जम जाता है, तो वो जमता है तो फूलता है, फट जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, ठीक है ना, तो एक टेम्परेचर की रेंज है, उसी रेंज में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तीसरा फैक्टर नोट करें यहां पर, टेम्परेचर, मार्क करते चले, सब नीट वाला सवाल है ये, ठीक है ना। क्या आ गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर रहा है, अगर टेम्परेचर से भटकाव हुआ तो ग्रोथ पे असर पड़ेगा, और हर छोटा बहुत नहीं, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब खतरनाक, घातक हो गया, ठीक है ना, जो उसे डिस्ट्रॉय करेगा, डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस अबलिक स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब अगली चीज, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर एंड लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है, अफेक्ट करता है कुछ फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को। तो यहां पर अगली चीज क्या आ गई, लाइट एंड ग्रेविटी, तो कुल मिला के कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सवाल उसने घुमाया कि व्हाट आर द ग्रोथ कंडीशंस फॉर द प्लांट, वो किसी में क्या दे रहा, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। दूसरे ऑप्शन में क्या देगा, वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। तीसरे में क्या देगा, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन तो भैया न्यूट्रिएंट्स में आ गया ना, तो लेकिन न्यूट्रिएंट्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो किसी में टेम्परेचर हटा देगा, किसी में ग्रेविटी जोड़ रहा है। तुम लोग सोचोगे यार प्लांट की ग्रोथ में ग्रेविटी का क्या काम है, बट है, क्लियर है, एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है। अब किस लेवल पे, किस फेज में, किस हद तक काम है, नॉट इन अवर कोर्स, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना आगे हमें एडवांस में नहीं जाना है, क्लियर है। एनसीईआरटी एक तरह से हमको क्या दे रही है, डाटा दे रही है, तो हमको डाटा को ज्यादा ज्यादा क्या कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना, क्लियर है। चलते आगे, अब क्या कह रहा है, तीन टर्म, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। यहां पे एक छोटी सी बात बता दूं मैं, जायगोट से कहानी शुरू होगी, ठीक है, समझ लो थोड़ा सा, जायगोट कैसा है, ये सिंगल सेल है क्या अभी, ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या बनता है, ये मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर बहुत सारे सेल बन गए, क्या बन गए, डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल बन गए, फिर ये सेल किस में बदलते हैं, अगर हमें अपनी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो प्लांट में तो क्या बन जाता है, प्लांट में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है ना, चलो मान लेते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। अब इसके अंदर जो हर एक सेल होगा ना, कुछ सेल कुछ काम पकड़ लेंगे, कुछ सेल कुछ काम पकड़ लेंगे, कुछ सेल कुछ काम पकड़ लेंगे, जब ये सेल अपना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने लगते हैं, कुछ सेल रूट का काम करेंगे, कुछ सेल किसका काम करेंगे, टहनियों का काम करेंगे, कुछ सेल पत्ते बना रहे हैं, तो जब से सेल अपना अपना पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, कुछ सेल जाइलम बन जाएंगे, तब हम कहते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गए, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग हो गए, अब उन्होंने अपना काम संभाल लिया, मैच्योर हो गए हैं, अब यही टर्म है इस डिफरेंशिएशन को कहने का मतलब,
बात समझ में आ रही है? यही टर्म है या यही मतलब है इस डिफरेंशिएशन को कहने का, बात समझ में आ रही है? तो कुछ और नहीं है डिफरेंशिएशन, एक बात है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तो डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट सारे सेल अभी एक समान है, फिर कुछ सेल मैंने बताया जाइलम बन रहे हैं, कुछ सेल फ्लोएम बन रहे हैं, सब सेल अपना अपना काम ले रहे हैं। अब वो जब अपना अपना काम पकड़ लेते हैं वो सारे सेल एक दूसरे से अलग अलग और अलग हो जाते हैं, उनकी वैरायटी अलग, उनके टाइप अलग, हम कहते हैं डिफरेंशिएट हो गए, उनके अंदर डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है, डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आओ देखें, अब कह रहा है द सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल, रूट एपिकल यानी कि रूट का कुन्ना, ये रूट और ये उसका कुन्ना, रूट एपिकल एपेक्स एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम, ठीक है ना? ये हमने कहां पढ़ा है याद है, प्लांट एनाटॉमी में। मैं फिर वही बात कहूंगा, कैम्बियम बोला, ठीक है ना? और अगर ये भूल गए हो शब्द, वीडियो यहीं रोक दो, ठीक है ना? एक बार जाके फटाक से पीछे देख लो। यही तरीका है बच्चों कि हम एनसीईआरटी को कैसे लर्न करें। जब भी अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर कोई शब्द आता है तो इसको रोक करके ना थोड़ा सा उसको देख लेना है, ये तुमको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? ओके आओ, कैम्बियम क्या होती है? जो रिंग बनती है बीच में सेल्स पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम के, ठीक है आगे आते हैं, ठीक है? अब उसको हर डिटेलिंग नहीं कर रहा मैं अभी। तो कह रहा है सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम, यहां से जो सेल्स निकलते हैं क्योंकि इनके पास डिवाइड होने की क्षमता है, यहां से जो सेल निकलते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ खास फंक्शन। तो ये बात है जो मैं ही बता रहा था, दिस एक्ट, ये जो घटना घटेगी लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। ये जो एक्ट है जो इनको मैच्योर बनाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब उन्होंने अपना अपना काम पकड़ लिया, क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। डिफरेंशिएशन के समय आप करेक्टरिस्टिक्स देख लेना अलग से कि जब डिफरेंशिएशन होगा, देखो बच्चों ये सब लिखने के तरीके हैं याद करने के, क्या चेंजेस आएंगे? कह रहा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस हैं? स्ट्रक्चर चेंजेस, यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस, लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है? क्या है? बोथ इन देयर सेल वॉल, एक तो उसके सेल वॉल में आएगा, एंड प्रोटोप्लाज्म, दो जगह मेजर चेंजेस आते हैं जब भी कोई सेल डिफरेंशिएट करता है। तो बना क्वेश्चन ये कि व्हाट या वेयर चेंजेस अकर ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, बना क्वेश्चन ये, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अंदर से बच्चा भटक जाता है। आगे फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट, याद आया ट्रैकरी एलिमेंट? मैंने कहा ना पुराने चैप्टर साथ साथ पढ़ते रहना, जाइलम फ्लोएम, ठीक है ना? द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। अब ट्रैकरी एलिमेंट बनने के लिए वो क्या करता है, अपना प्रोटोप्लाज्म खत्म करता है क्योंकि उसको अंदर जगह करनी है ताकि पानी पास हो सके, ठीक है? लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, दे आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, और जो सेल वॉल होता है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करता है, कैसे? लिग्नोसेलुलोज की डिपोजिट करके, टू कैरी, ताकि वाटर को कैरी कर सके, टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये नहीं कि फट जाए, ठीक है ना? ट्रैकिंग एलिमेंट ये नहीं कि फट जाए। तो देखो यहां पर कितना देर अच्छा दे रखा है कि वट आर द चेंजेस वेन अ सेल डिफ्रेंशिएट इन टू ट्रैकरी एलिमेंट, वट चेंजेस अकर। तो क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म खत्म, ठीक है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, लिग्नोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, ठीक है? बात समझ में, तीन चीजें हो गई यहां पर, लूज प्रोटोप्लाज्म, वेरी स्ट्रॉन्ग आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक हटा दो, प्रोटोप्लाज्म खत्म, और क्या डेवलप हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। दो करेक्टर याद रखेंगे ट्रैकरी एलिमेंट जब डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब सेल जब ट्रैकरी एलिमेंट में डिफरेंशिएट होते हैं तो उनके अंदर क्या करेक्टर आ जाते हैं, बात समझ में आ रही है? क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें पानी हैंडल करना है, एक्सट्रीम प्रेशर में ऊंची ऊंची तक जगहों तक लेके जाना है ना, पेड़ काफी लंबे चौड़े होते हैं। अब कह रहा है ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर्ड इन प्लांट टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। अब कह रहा है
ट्राई करो कोरिलेट करने के लिए वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर इन प्लांट, जो से तुम अभी तक टकराए हो प्लांट्स में एनाटॉमिकल फीचर, यानी कह रहा है कि प्लांट एनाटॉमी में जाओ और देखो अब कि उन जो सेल्स तुमने पढ़े हैं जो मैच्योर हो गए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ होता है, फाइनल जो सेल है उनके क्या करेक्टर है, यानी कि जो उनके करेक्टर है वही उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं डिफरेंशिएशन होते समय। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैकरी एलिमेंट का कह दिया है, तो तुम जाकर के फ्लोएम के भी कुछ सेल्स देख लेना, नहीं देखना तो कोई बात नहीं लेकिन देख जरूर लेना क्योंकि कंपेयर करने के लिए ये कह रहा है। आगे आते हैं, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखा रहा है। अच्छा, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो जिंदा डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट होने के बाद कोई सेल अगर डेड हो गया है ना, जाइलम फ्लोएम सेल डेड होते हैं तो वो तो वापस में जान आएगी नहीं, लेकिन डिफरेंशिएट हो चुका है बट जिंदा है ना, डेड बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो अब तक कैपेसिटी खो चुके हैं डिवाइड होने की, कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके थे और अभी जिंदा हैं और बाय नाउ अब तक कैपेसिटी डिवाइड होने की खो चुके हैं, वो रीगेन करते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। तो यहां पे क्या बात आ गई, जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं और जिंदा हैं और वो क्या कर लें, जो उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी खो चुकी है उसको वापस से रिगेन कर लें अगर कुछ खास कंडीशन में, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल, डी डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके थे वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो चुके थे और किस एनी हाउ किसी तरीके से उन्होंने क्या किया, डिवाइड करने की कैपेसिटी को वापस से गेन कर लिया, तो क्या हो गए, वो डी डिफरेंशिएट हो गए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे भी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़े काम की चीज है, फास्ट समझ में आ रही है बच्चों, एग्जाम्पल, अरे वापस आ जा, ये एग्जाम्पल बड़े काम की चीज है। क्या रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स इंट्रा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देख लो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, याद आया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बंद कर दो एनसीईआरटी, यहां पे नहीं याद आ रहा है कुछ, एनाटॉमी पे जाओ, सेकेंडरी ग्रोथ देखो, सेकेंडरी ग्रोथ में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देखो, क्या जिनको याद है डेट इज गुड, जिनको याद नहीं है वो लोग कहां पहुंच जाए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अरे सर याद तो आ रहा पता नहीं क्या, देखो तुरंत जाके देख लोगे ना, अच्छे से पढ़ रखा है भूल रहे हो तो रिवाइज हो जाएगा और यहां का भी कहानी एकदम खत्म, ये फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे मार्क कर दो कि ये सेल डिडिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, खत्म कहानी, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, द्वारा से मेरिस्टेम बनते हैं ना, याद है ये रिंग होती है जाइलम फ्लोएम की, फिर याले सेल्स बीच में कैम्बियम होता ही है, फिर इंटरसेलुलर कैम्बियम बीच वाले सेल्स के अंदर वापस से कैपेसिटी आ जाती है डिवाइड होने की, याद आ रही बातें, कुछ कह रहे हैं बच्चे हाँ सर आ तो रही है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जो कॉर्क बाहर जब प्रेशर पड़ता है फट जाती है ना बार्क, फिर वहां पे वापस से कॉर्क कैम्बियम बनता है बाहर के लेयर बनाने के लिए, याद आया। फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, अच्छा कहां से आ रहे हैं, ये बीच में कौन से थे, पैरेन्काइमा सेल थे, ये बीच में कैसे थे, पैरेन्काइमा सेल थे, अब पैरेन्काइमा सेल मत कहना सर याद नहीं है, क्या होते हैं ये, चले जाओ देख लो, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा तीन टाइप के सेल थे, ठीक है आ जाओ इधर पे, अब डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, ये जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल थे, ये सेल कैसे हैं, पैरेन्काइमेटस हैं और फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, लॉस ऑफ डिवीजन खो चुके हैं बट जिंदा हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या आती है वापस से, ये वापस से मेरिस्टेम बन जाते हैं, यानी कि इनके अंदर वापस से डिवाइड होने की कैपेसिटी आ जाती है। व्हाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, सच मेरिस्टेम्स ऑफ द टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड गेट रीडिफरेंशिएटेड। अब यहां पर जो क्या हुआ, ये क्या बनाते हैं, नए सेल बनाते हैं, ठीक है वही बात कह रहा है। While doing so, such meristem tissue are able to divide. इनके पास क्षमता डिवाइड होने की एंड प्रोड्यूस सेल्स डेट वंस अगेन। अब ये क्या कर रहा है, सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, अब ये पूरा बन गए, अब ये नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो नए सेल्स बने, ये सेल वापस से अपनी डिवाइड होने की क्षमता खो देते हैं और एक नया कुछ अपना फंक्शन अचीव कर लेते हैं कि इसको क्या काम करना है। अब हम लोग कहते हैं एंड गेट रीडिफ्रेंशिएटेड, इनके तो क्षमता ही डिवाइड होने की, नए सेल बनाए, उन सेल ने क्या किया, अपना कुछ नए फंक्शन पकड़ लिए कि उनको क्या काम परफॉर्म कर रहा है,
और उनको कहा गया क्या, रीडिफ्रेंशिएटेड। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पढ़ दूं एक बार फिर से। वाइल डूइंग सो, ठीक है, सच मेरिस्टेम, ऐसे मेरिस्टेम या टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड, वो क्षमता रखते हैं डिवाइड होने की, एंड प्रोड्यूस सेल्स, सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, डेट वंस अगेन, जो कि एक बार द्वारा लूज करते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड, अपनी कैपेसिटी डिवाइड होने की, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, बट मैच्योर हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए खास फंक्शन, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, रीडिफ्रेंशिएटेड। एक बार फिर से वो डिफ्रेंशिएट हो गए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हुए, डी डिफ्रेंशिएट हुए, फिर रीडिफ्रेंशिएट हो गए। क्लियर है, लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन वुडी डाइकोटिलेडनस प्लांट दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कह रहा लिस्ट करो, बनाओ, बना लोगे, अरे भाई बना लोगे, ये होमवर्क, ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर, एक ट्यूमर को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसका लगातार क्या हो रही, सेल ग्रोथ होती है ना, फूलता चला जाता है। व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर अनकंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, याद आया कुछ, ये है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो सेल ग्रो होता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस, याद आया, एक्सपेरिमेंट है, याद आया, कोई बात नहीं, याद रखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। आएगा एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर, क्या पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर, ठीक है, तो यहां पर उसको ना पढ़ते हो, टाइम खराब नहीं करेंगे, ओके आगे आते हैं। रिकॉल इन सेक्शन 15.1.1 वी हैव मेंशनड दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, याद आया, ओपन यानी कि रुकती नहीं, चलती रहती, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, तो जाहिर सी बात है ये इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, कह रहा है इवन डिफरेंशिएशन भी प्लांट में क्या है, ओपन है, ठीक है, क्यों ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, कि क्या है, इनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इवन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, फिर वो अपना कुछ काम करने लगे, फिर वो वापस से डिडिफरेंशिएट हो गए, तो इसीलिए इसको भी कहा गया ओपन कहा गया, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी, ठीक है। अच्छा यहां पे अलग लेवल पे कह रहा है, कह रहा है कि इनको ओपन क्यों कहा गया, कह रहा है सेल्स और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम, जो सेल्स और टिश्यू अराइज हुए हैं सेम मेरिस्टेम से, एक ही मेरिस्टेम से, ठीक है, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं मैच्योरिटी पे, कोई कुछ बन गया कोई कुछ बन गया। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन, फाइनल स्ट्रक्चर उस सेल्स का टिश्यू का कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली वो प्लांट के किस हिस्से में है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरिस्टेम कहीं का भी वो एक ही तरह का सेल पैदा करेगा, लेकिन वो सेल आखिरकार प्लांट के किस हिस्से में है उसके हिसाब से उसका क्या है वो डिसाइड होगा कि मैच्योरिटी पे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन, कि सेल के अंदर उसका लोकेशन कहां पर है और कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सेल कह रहा है उदाहरण के तौर पर सेल पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट, जो रूट से बहुत दूर है, रूट एपिकल से, डिफरेंशिएट एज रूट कैप, है ना, पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना, वो रूट कैप बन जाते हैं ये, और ये सेल जो इससे दूर हो जाते हैं ये क्या बन जाते हैं, रूट कैप बन जाते हैं, ओके। वाइल दोज पुश टू द पेरिफरी, जो किनारे, पेरिफरी मतलब किनारे की तरफ, मैच्योर एज एपिडर्मिस, जो किनारे की तरफ ढकेल दिए जाएंगे वो ऊपर की लेयर बना लेंगे, साइड की लेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजिशन ऑफ सेल टू इट्स पोजिशन इन अ ऑर्गन, अब ये काम करते रहना ढूंढ ढूंढ के, हमें फिलहाल जो अपना डाटा था क्या मिला, कि किस तरीके से क्या जाना हमने क्या पढ़ रहे थे, कि किस तरीके से जो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो डिपेंड करेगा कि उसकी लोकेशन फाइनली कहां पहुंची, ठीक है। ये रूट टिप, यहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये रूट कैप, जो सेल यहां पहुंच जाएगा रूट कैप बन गया, ये सेल डिवाइड हो रहे हैं किनारे पे पहुंचे तो क्या बन गए, एपिडर्मिस बन गया, तो फाइनली लोकेशन उनकी डिसाइड करेगी। सेल जब इसने डिवाइड किए, ये वाले सेल कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सेल कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होने के बाद सब एक जैसे होते हैं,
फिर वो कहां जा रहे हैं उसके हिसाब से उनका फाइनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। क्लियर है? यही बातें यहां पर हो रही थी फाइनल स्ट्रक्चर की। ओके, ये लाइन जरूर याद रखना, ठीक है। ग्रोथ इन प्लांट ओपन है, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ऑल्सो ओपन। क्वेश्चन आ चुका है ये, बट ओपन क्यों है? क्योंकि फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पर। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस, डेवलपमेंट के अंदर वो सारे चेंजेस काउंट किए जाते हैं, दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। तो कह रहा है डेवलपमेंट के अंदर वो सारे चेंजेस इंक्लूड ऑल चेंजेस, है ना, यहां पे हम चेंज की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बदलाव आए, कहां से कहां तक? जब वो जर्मिनेट हुआ, अंकुरित होकर पेड़ बनने की शुरुआत हुई, और अल्टीमेटली सेनेसेंस जब उसकी मौत हो गई, इस बीच में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब क्या किसके अंदर आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कंस्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ हायर प्लांट इज गिवन इन फिगर 15.8। कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम से दिखाया हुआ है, ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, कि डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, विच कंस्टिट्यूट, जिसके अंदर क्या क्या आता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ हायर प्लांट इज गिवन इन, इसके अंदर किसका दिखा रखा है, डेवलपमेंट ऑफ हायर प्लांट। तो आओ देखें, इट इज एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, यानी कि प्लांट के साथ साथ ये टिश्यू और ऑर्गन्स पे भी एप्लीकेबल है। चले तो देखते हैं, तो देखो शुरुआत करें हम लोग यहां से। ओके, तो ये मेरा पार्ट क्या है, सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, और सेल डिवीजन के बाद क्या है, ये मेस्टमेटिक सेल्स, मेस्टमेटिक सेल्स से जो सेल निकलेंगे थोड़े से बड़े होंगे, उनके अंदर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, यानी कि प्लाज्मा क्या करेगा, ग्रो करेगा। सेल डिवीजन में दो बातें हो रही हैं, ठीक है, किसके अंदर काउंट किए जा रहे हैं, ये मेस्टमेटिक सेल्स, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर आगे निकल जाएंगे, कुछ सेल के अंदर सेल डिवीजन होगा, फिर मेस्टमेटिक सेल बना लेंगे, तो एक साइकिल ही चलती रहेगी। कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर आगे निकल गए, ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योर सेल अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं, सेनेसेंस, और ये क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर है बातें? तो सिंपल है, ये तो हमको दिख भी रहा है कि कैसे हमको इसको देखना है, तो किस तरीके से हुआ है, ये एक साइकिल ये चली रही है, ठीक है, फिर एक डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन, मैच्योरेशन, ये डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएंगे, पूरा सेल मैच्योर हो गया, सेनेसेंस और डेथ। क्लियर है बातें? तो आओ आगे देखें क्या बोल रहा है ये। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, कह रहा है कि एनवायरमेंट के चक्कर में, एनवायरमेंट कभी कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है ना, कभी टेम्परेचर कम ज्यादा, उसके चक्कर में ये अलग अलग रास्ते अपनाता है, ठीक है, और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, अलग अलग रास्ते तरीके अपना करके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को पैदा करता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, है ना, मान लो प्लांट कभी टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए था, अचानक से एकदम बहुत तेज धूप होगी, कुछ टाइम के लिए बारिश कम हुई, तो उसी हिसाब से प्लांट अपना क्या करता है, चीजों को एडजस्ट कर रहा है। फिर से, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे, अलग अलग रास्ते इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो अपने तरीके बदल देता है ग्रो होने के, और फेजेस ऑफ लाइफ, जो उसके लाइफ में फेज आने वाले हैं, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो इसके अंदर कला है, एक एबिलिटी है कि वो अपने तरीके बदल दे, एनवायरमेंट बदला, उसने अपना तरीका बदला चेंज होने का, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिक को कैसे मोड़ तोड़ लो खराब नहीं होती है। एग्जाम्पल, हिट्रोफिल इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर, ठीक है, क्या कह रहा है, हिट्रोफिल, तो क्या कह रहा है ये, हिट्रोफिल इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर। हिट्रोफिल का मतलब सेम प्लांट में अलग अलग वैरायटी के पत्ते, हिट्रोफिली मतलब सेम प्लांट में अलग अलग वैरायटी के पत्ते, भाई होने एक जैसे चाहिए थे, लेकिन ठीक है ना, जुवेनाइल देखो जब यंग होता है ऐसा है, एडल्ट है तो बिल्कुल अलग हो गया, ये तो धनिया वाला देखा होगा तुमने कोरिएंडर का। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिट्रोफिलाइल फाइलिल, ठीक है, हिट्रोफाइली, ओके, हिट्रोफाइली, किस किस अंदर पाया जाएगा, कॉटन में, कोरिएंडर में और लार्क्सपर में। अब आगे क्या कह रहा है,
ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव शेप, अब ये शेप की बात कर रहा है ठीक है ना, डिफरेंट इन शेप प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप आल्सो रिप्रेजेंट द हेटरोफाइलस, यानी कि जो बटरकप होता है पानी में और सॉइल में इनका क्या होता है शेप जो होता है अलग अलग होता है। तो आओ देखते हैं जरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बटरकप का, हम देख सकते हैं ये मिट्टी में ऐसा है और पानी के अंदर इसका कुछ ऐसा शेप हो जाता है ठीक है, लार्क्सपर के अंदर जुवेनाइल में ऐसा है और एडल्ट में ये ऐसा हो जाता है, क्लियर है ओके। दिस फिनोमेना ऑफ हेटरोफाइली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, तो याद करेंगे ये पूरा पैरा किसके बारे में बात करता है प्लास्टिसिटी के बारे में, याद करेंगे इसे प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है हालात के हिसाब से अपनी चीजों में चेंज कर लेना जो कि प्लांट के अंदर ये आदत होती है। इसके अंदर एक कुछ एग्जांपल है कॉटन कोरिएंडर लार्क्सपर और बटरकप, बटरकप का टेरेस्ट्रियल जमीनी और पानी वाले के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो ये डाटा तुमको याद रखना है क्लियर है। तो क्या टर्म आ गया प्लास्टिसिटी, इसके अंदर हेटरोफाइली एक टर्म आ गया ओके। तो डाटा है, मैंने क्या कहा बायोलॉजी जो है बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा इसको अगर और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो जैसे यहां पर ऐसी पिक्चर है, वीडियो को पॉज करके तुम लोग गूगल पे जाकर के इसका एक लाइव डायग्राम देख सकते हो या यूट्यूब पे लाइव वीडियोस पड़े होते हैं कि अच्छा ये देखो लाइव ऐसा दिखाई दे रहा है, उसका और भी मजा आ जाएगा, मैं उसके लिए मना नहीं करता। बायो में चीजों को अगर लाइव बिल्कुल देखते हुए चलो, समझना एक अलग बात है कि समझ में आ गया, लेकिन उसको लाइव भी देख लो एक बार तो और ही मजा है ठीक है ना। हर चीज को लाइव दिखा पाना यहां पे तो पॉसिबल नहीं है ओके। आगे आते हैं हम लोग, दस ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट, कह रहा ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट काफी क्लोजली घटनाएं हैं प्लांट की जिंदगी में, ब्रॉडली मोटे तौर पे कहा जाए या देखा जाए डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट क्या था, चेंजेस कहां से कहां तक, जब से पैदा हुआ जर्मिनेशन से लेकर के डेथ तक, तो उसी चेंजेस में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन आ जाएंगे, तो ये मार्क करोगे डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, लिख लेना यहां पर डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन है ना, डेवलपमेंट इन दोनों का सम होता है। डेवलपमेंट इन प्लांट दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम जानेंगे, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं प्लांट हार्मोन्स, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि टेम्परेचर है और मतलब एटमॉस्फेयर का एनवायरमेंट है ठीक है। द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कह रहा है फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला वाला इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के अंदर कौन कौन आ गया, एक तो जेनेटिक उसका जीन्स कैसे हैं, दूसरा इंटरसेलुलर, ये कैसा हो गया इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर पाया जाएगा जीन्स सेल के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहां से कहीं ना कहीं केमिकल्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की लोकेशन भी एक तरह से दर्शाई जा रही कि वो कहां पाए जाते हैं इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में। व्हाइल द लेटर इंक्लूड्स लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, अब देखो यहां बड़ा इन्होंने ना खिचड़ी कर दी, इंट्रिंसिक बोल के दो बातें बोल दी फॉर्मर के अंदर दो, और लेटर, लेटर मतलब ये इसके लिए लेटर ये गया एक्सट्रिंसिक के लिए, लेटर वर्ड किसके लिए यानी कि बाद वाला, उसमें कौन कौन आ गए लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, क्लियर है। तो अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हम दो फैक्टर्स आ गए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम पढ़ करके पूरा लेक्चर क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। तब तक क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी बड़ा ही आसान चीज है, डाटा है केवल कहानी की तरह है, जो चीज थोड़ा सा लगे कि समझ में नहीं आ रही उसको लाइव देख लो बहुत इजीली समझ में आती है, क्लियर है। मुद्दा है बायो हमें पढ़ने में आसान लगे, एनसीईआरटी जो टफ लगती है बच्चों को वो टफ ना लगे, बच्चा खुद से पढ़े और कहानी की तरह नोवेल की तरह पढ़ो, कहानी है मजा आएगा ठीक है ना। सारी चीजें डाटा नोट करेंगे ये ठीक है ना, नोट करके याद करना है, देखो इसमें बहुत सारा रिविजन मस्ट है, क्लियर है। तो क्या करना है रिविजन, क्यों रिविजन से ही मिलेगा सिलेक्शन, क्लियर। ऑल द बेस्ट।